मंच पर बैठे ये लोग चेंबूर विधानसभा के अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार हैं, जिनसे जनता सीधे सीधे सवाल पूछ रही है और ये लोग जवाब दे रहे हैं। द बॉम्बे कैथोलिक सभा की ओएलपीएस चेंबूर यूनिट और सेंट सेबेस्टियन मारोली यूनिट की ओर से रविवार को आयोजित मीट योर कैंडिडेट कार्यक्रम में ये सारे उम्मीदवार जनता से सीधे सीधे रूबरू हुए। लोगों ने चेंबूर के कई गंभीर मुद्दों, भावी योजनाओं पर सवाल तो पूछे ही, साथ ही कई सुझाव और शिकायतें भी सामने आईं, जिनका इस मंच पर बैठे इन उम्मीदवारों ने अपने अपने तरीके से जवाब भी दिया। मीट द कैंडिडेट एक अच्छा कार्यक्रम करते हैं, पब्लिक आती है और उनके व्यूज़ क्या हैं, क्योंकि वो वोटिंग करने वाले हैं, उसके बाद में वो जो उनको पसंद का कोई कैंडिडेट है वो क्या कर सकता है, उनका किस तरह से काम कर सकता है, वो व्यू जानना चाहता है। इसके लिए ऐसे कार्यक्रम की जरूरत है। हर कैंडिडेट ने पास्ट में क्या किया और फ्यूचर क्या करने वाला है, इसके बारे में उनका व्यू वो रखता है और पब्लिक से क्वेश्चन आंसर होता है, तो क्वेश्चन आंसर में वो क्या करने वाला है आम जनता के लिए, वो पब्लिक पूछना चाहती है, तो उससे एक अच्छा इंट्रोडक्शन होता है और पब्लिक को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कौन कैंडिडेट है कि जो पब्लिक के लिए काम कर सकता है। सही में बहुत साल से हमारे, मैं भी कांग्रेस में था, अभी काम नहीं हो रहा है करके, अभी कहाँ ना कहा तो हम भी 20 साल नगर से होता, मैं भी कॉर्पोरेटर था 15 साल, मेरा मिसेज पास चल दी, हम लोग क्या क्या अभी देखो, ठीक है हमारा जो एरिया है कॉर्पोरेटर का उतना हम लोग ने अच्छे से विकास किया है, लेकिन यहाँ के अभी मैं घूम रहा हूँ, MLA के खिलाफ इतना आक्रोश है लोगों का, पता नहीं ऐसा रहेगा तो डर लग रहा है हम लोग को भी खड़ा खड़ा रहने के लिए। तुमको चुनके दिया है तो वो तुम काम करना चाहिए, 100% करता है, हम भी समझ सकते हैं, कुछ तो करो, सब जनता आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो कुछ तो आपके खिलाफ वातावरण तैयार हुआ है ना। अभी बहुत सारे यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने मान रहे हैं ज़्यादा चम्बू के लिए, ठीक है 50-60% का छोटा सा तुम्हारा बस रूट का, अभी बस रूट का जो तुम्हारा मसला है और उनका चेयरमैन ऑलरेडी अपना सैनिक है, मुझे नहीं लगता है एक 2-4 दिन का बात है, फट से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ये छोटी छोटी बातें होती नहीं और लोगों को पता है, लोग अपने को जब ये बोलते हैं कि ये होना चाहिए, मास्टर से हम बोल रहे हैं उनको होता नहीं है, तो कहीं तो इनकी गलती है, तो मेरे अमदर की गलती है, नगर सेव की गलती है 101%, मैं भी उसमें रहेगा तो मेरा भी गलती है। होना चाहिए ना, सवाल है तो होना चाहिए, नहीं होता है तो प्रामाणिक से बोलो युवा इसमें अड़चन है, ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन होता ही नहीं उसमें जवाब में कुछ तो हमेशा जब इलेक्शन के पहले जो वीडियो कैंडिडेट का प्रोग्राम करते हैं वो एकदम अच्छा है, क्योंकि पब्लिक रहती है वहाँ पे और जो कैंडिडेट है वो क्या करना चाहते हैं और उन्होंने क्या काम किया वो पब्लिक को सामने आ रहा है, वो जो है वो कैंडिडेट के लिए भी अच्छा है और पब्लिक के लिए भी अच्छा है, कि वो मालूम पड़ता है कि बाबा ये कैंडिडेट क्या काम कर सकता है और उसका थिंकिंग क्या है, उनका आगे का क्या करने का सोच है वो भी पब्लिक को मालूम पड़ता है। इसके लिए ये जो मीटिंग हुआ और हर साल होता है जब इलेक्शन टाइम, एकदम सही है और ऐसा ही होना चाहिए। इसमें से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं और वो प्रोसेस में है, ये जब मैं बोला ना इधर मीटिंग में भी बोला, मैं जब घूमता हूँ सब जगह मेरे को मालूम पड़ता ना, अगर घर में ही बैठेगा, ऑफिस में बैठेगा, ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा ना क्या हो रहा है। मेरा काम है सुबह 7 बजे से लेके सबको, मेरा वॉकिंग है ऐसा रहता है, कभी सीनियर सिटीजन्स, कभी इधर, कभी उधर, कभी मंदिर, तो मेरे को मालूम पड़ता है किधर गटर ख़राब है, किधर उसका ढकना गया है, जो मैनहोल किधर है, किधर सेफ्टी है, किधर गटर ख़राब है, सब मालूम पड़ता है ना, और किधर क्या करना है वो भी मेरे को मालूम है वो हिसाब से, और पब्लिक का जो सुझाव आता है मेरे को उससे मेरे को भी आइडिया आता है ना, नहीं ये करना मांगता है, ये करना मांगता है। अभी जैसा वो तुम देखा है वो जो अपना सेंट्रल एवेन्यू रोड है उधर पॉट्स लगे हैं, मैं एक बार लंदन में गया था,
कभी देखा एकदम मस्त ग्रीनरी वगैरह पॉट्स लगे हैं, ये है, तो मेरा दिमाग में आया बाबा इधर भी करूँ, इसके लिए जो पॉट्स लगाए हैं सब जगह। एक रोड, वो जो रोड है ना वो VIP रोड है, और उसको जो ब्यूटिफिकेशन है, ब्यूटिफिकेशन है कर रहे हैं। अभी उधर अम्बेडकर गार्डन में देखा आपने, एक मस्त बेटी ऐसी खड़ी है, सेव द गर्ल चाइल्ड, ऐसी कितना प्यारे लगता है, कितना ब्यूटीफुल है, वो गार्डन को भी डिमांड आया। अभी इस कार्यक्रम के आयोजकों ने इसका उद्देश्य स्पष्ट किया। हमारे जो OLPS चर्च है उसमें एक यूनिट है जो बॉम्बे कैथोलिक सभा है, ये जो यूनिट है सारे सिविक इश्यूज, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज जो होती है क्रिश्चियन लोगों के लिए, वो हम लोग हमेशा लुक इन टू दीज इशूज एंड वी वर्क वेरी क्लोजली विद द पॉलिटिशियन सो दैट ऑल दीज इशूज आर सॉल्व्ड। सो ये यूनिट का एक प्राइम मोटिव और एम है, दैट्स अ बॉम्बे कैथोलिक सभा। सो यहाँ पर हमने मरौली यूनिट और OLPS यूनिट हम सब मिलके यहाँ आज आए थे, कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाया था, क्योंकि अभी आज का जो सिनेरियो है पॉलिटिक्स के बारे में इतना अच्छा नहीं है, जो व्यू है इतना अच्छा नहीं है, और लोग जो है ना कतराते हैं पॉलिटिशियन से बात करने के लिए या कुछ पूछने के लिए। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अभी गिव अप कर दिया है, किसी को पॉलिटिक्स के बारे में ना कुछ जानना है ना कुछ लेना देना है, क्योंकि अगर आप देखो तो क्राउड भी ऑलमोस्ट 300 पीपल वर देयर। सो ये सिनारियो होने की वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम पॉलिटिक्स सारे चार जो मेन कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि बाबा सवाल करें कि बाबा अभी ये 5 years के लिए आपका क्या प्लान है हम लोगों के लिए। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था कि चेंबूर का सर्वांगीण विकास, और चेंबूर का सर्वांगीण विकास करने की जिम्मेदारी एक लोक प्रतिनिधि जो हमारे अभी विधायक थे, चारों विधायक जो चारों मेजर पार्टी के यहाँ पर हमने इनवाइट किए थे, हमारी विनती को रिस्पेक्ट देके वो चारों विधायक यहाँ पर आए और हमारा उन्होंने रिस्पेक्ट रखा, चेंबूर वासियों का रिस्पेक्ट रखा, क्योंकि हमारे इस चर्च की परंपरा रही है, इस बॉम्बे कैथोलिक सभा इस संगठन की परंपरा रही है कि जब भी कोई चुनाव आता है, फिर वो कॉरपोरेशन हो, वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, हमारे चेंबूर का सर्वांगीण विकास मद को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोक प्रतिनिधियों को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं। हमारी कंसेप्ट यह है कि आप जो चेंबूर के लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं एज अ चेंबूर का सेवक होने के नाते, वो आपकी जो भी ब्लूप्रिंट है वो हमारे समाज के सामने रखे। ये चर्च की तरफ से अगर प्रोग्राम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन हम यहाँ पर हमारे सभी समुदायों के लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, ताकि हमारे लोक प्रतिनिधि और हमारे लोग इनमें एक सुसंवाद हो जाए। खाली सुसंवाद नहीं, यहाँ पर हमारे लोक प्रतिनिधि अपने बारे में उनको ही क्यों चुन के देना चाहिए इसके बारे में वो जानकारी देते हैं, उसके बाद में उनका वो फ्यूचर प्लान यहाँ पर हमारे सामने रखते हैं, ताकि हमारे लोगों को ठीक ठीक से पता चल सके कि हमें ये जो जिनको यहाँ पर जो चुनाव के लिए जो उम्मीदवार यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत है उनमें से प्रॉपर कैंडिडेट कौन है, उनमें योग्य कैंडिडेट कौन है। जब उनसे वार्तालाप होती है, जब सुसंवाद होता है प्रश्नोत्तर के माध्यम से, तब हमें ये पता चलता है कि उस विधायक के, वो होने वाले विधायक के दिमाग में क्या है, उनके विचारों की दिशा क्या है, सच में उनके मन में, उनके दिल में हमारे चेंबूर के में चेंबूर का विकास करने की भावना है या नहीं है, ये सब ये खुले व्यासपीठ पे यहाँ पर हमें पता चलता है। सचमुच इस तरह के कार्यक्रम नेता और जनता के बीच की दूरी कम करने और क्षेत्र के विकास में मददगार साबित होते हैं। चेंबूर से इकबाल शेख और देवीदास वानखेड़े के साथ साहिल खान, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।